नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ तवा पनीर टिक्का। इसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस तरीके से है। 250 ग्राम पनीर, शिमला मिर्च दो प्याज, आधा नींबू, दही, अदरक का पेस्ट, लहसुन, अजवाइन, ऑयल, नमक, बेसन जिसे हम अभी बटर में रोस्ट करेंगे, चाट मसाला, कसूरी मेथी जिसे हमने रोस्ट किया हुआ है पहले से, तंदूर मसाला, हल्दी, कश्मीरी मिर्च डाल, टूथपिक, बटर, कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे बेसन को रोस्ट करने के लिए। अब बटर अच्छे से पिघल गया है, अब इसमें हम बेसन डालेंगे भुनने के लिए। इसे अच्छे से चलाएंगे। अब हम एक बोल में दही लेंगे। दही का पानी मैंने पहले से निकाल रखा है। अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच बेसन अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से कहीं भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इस तरीके से, आधा चम्मच अजवाइन, 1 से 1.5 चम्मच तंदूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी रोस्ट की हुई जो मैंने पहले से रखी थी, नमक 1 चम्मच, चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से सब मसालों को मिक्स करना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे जो पहले से निकाल के रखा है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। और अब इसे मैरिनेट करेंगे पनीर के साथ, शिमला मिर्च और अनियन के साथ। अब मैंने पनीर को इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे थोड़ा सा, मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें पनीर, शिमला मिर्च, अनियन डाल दिया है और इसे धीरे धीरे से मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे ना। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए इस फॉइल से कवर्ड करके फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए।
मैंने पनीर को फ्रिज में से निकाल लिया है। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। इसमें बारबेक्यू स्कीवर का यूज करूंगी और इस तरीके से लगाऊंगी। अगर आपके पास टूथपिक है तो उससे भी हो सकता है। मैंने इसे इस तरीके से लगा दिया है, ये देखिए। इसी तरीके से मैं सारे में लगाऊंगी। ये मैंने एक टूथपिक में भी लगा लिया है। अगर आपके पास बारबेक्यू स्कीवर नहीं है तो इस तरीके से टूथपिक में भी लगा सकते हैं। ये मैंने दो बारबेक्यू स्कीवर में किया है और दो टूथपिक में कर रखा है। अब इसे तावे पे रखेंगे। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और तवा चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं रिफाइंड लगाऊंगी इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसमें अपना पनीर टिक्का रखूंगी इस तरीके से। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे ऊपर से भी इस तरीके से सारे पनीर टिक्का में। थोड़ी थोड़ी देर से इसे हमें इस तरीके से पलटते रहेंगे। पनीर टिक्का हमारा सिक रहा है अच्छे से। हमारा पनीर टिक्का अच्छे से लाल हो गया है, ये देखिए। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब मैंने प्लेटिंग कर दी है और हमारा पनीर टिक्का हरी चटनी के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारा ये पनीर टिक्का का वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।